एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटिक्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी के एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको आप मेजर, माइनर और इलेक्टिव तीनों के लिए स्टडी कर सकते हैं और जिसका भी एग्जाम होगा अभी 2-3 दिन में है या कल है या परसों है। एंड वो इस पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करके जाएगा और एग्जाम देने के पहले इस बार इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर है तो आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। स्टडी करके जाइएगा और अच्छे से इसको पेपर दीजिएगा। और हाँ, कुछ मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगी जिसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, और कुछ पीवाईक्यू पेपर के भी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी इसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी दे दूंगी, और कुछ वीडियोज भी हैं जिसमें आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सारे वीडियोज और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगे इसके बारे में आपको जानकारी अभी दी जाएगी। सो पहले हम कुछ क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट मैं आपको सारे इंफॉर्मेशन दूंगी, ओके। सो जिसमें हमारा इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट में आपका दिया है, वेरी शॉर्ट में आपका दिया हुआ है, जिसमें आपको 50 वर्ड्स कंप्लीट करने, कितने वर्ड कंप्लीट करने हैं आपको, 50 वर्ड कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपको 2-2 मार्क्स दिए जाएंगे, टोटल 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन करने, 50 वर्ड्स लिखने हैं। तो कैसे लिख रहे हैं इसके बारे में इंस्ट्रक्शन, सो पहले भी इसके भी पहले वीडियोज में आपको इंस्ट्रक्शन दे चुकी है आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर का क्या प्रोसेस होता है, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा कि आंसर कैसे लिखे ताकि इफेक्टिव मार्क्स आपको कंप्लीटली मिले। और हाँ, इस एक वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जो कि आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर आपको कैसे आपके आंसर को कैसे एक्सेप्टेबल करता है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ, जल्द से जल्द वो मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो जैसा कि इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि सीधी रेखा समीकरण क्या होता है, तो सीधी रेखा समीकरण की आपको बताना है, व्हाट इज आपको बताना है, ठीक है। तो सीधी रेखा समीकरण देखिए क्या होता है, तो सीधी रेखा समीकरण वाई बराबर एमएक्स प्लस सी, तो इसे आप बहुत अच्छे से लिखिएगा, याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है ना, हमारा प्लस पॉइंट क्या होता है, अगर हम किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मूला बेस्ड आंसर लिखते हैं या उसका मतलब समीकरण बना के लिखते हैं तो वो हमारा प्लस पॉइंट होता है, वो प्लस मार्क करता है, ठीक है। जिसको नंबर नहीं भी देना रहता, जैसे 1-2 नंबर उसको फुल मार्क्स देते हैं, है ना। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, अगर आप केमिस्ट्री या फिजिक्स का पेपर दे रहे होगे तो ज़्यादा कर करके आप फॉर्मूला बेसिस आंसर लिखा करो, ठीक है। अगर उसमें फॉर्मूला है तो उसको ज़रूर लिखिए। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें m सीधा रेखा का ढलान होता है और c वह ऊंचाई होती है जिस पर y अक्ष को पार करती है, जिसे y अवरोधन भी कहा जाता है, ठीक है। यह समीकरण ज्यामिति में सीधी रेखा को दर्शाने का एक सामान्य और बहुत ही बार बार इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही इसका समीकरण बनाना है, सीधी रेखा समीकरण आया है तो ऐसे करना है, ठीक है। तो आपको एक सारे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना है, जैसे कि सीधी रेखा से रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चन बनेंगे ना उसे पढ़ लीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ये इंग्लिश वर्जन में था, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे इसे आप नोट कर लीजिएगा, राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आते हैं कि पीपीएम की परिभाषा दीजिए, गिव अ डिफिनेशन ऑफ पीपीएम। तो पीपीएम क्या होता है इसके बारे में मैं बता देती हूँ। सो देखिए, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स प्रति मिलियन, ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन। तो यह माप की एक इकाई है जो मिश्रण में किसी पदार्थ की सांद्रता को व्यक्त करनी करती है। पानी में पीपीएम पानी के भीतर रसायन या अशुद्धियों की सांद्रता को संदर्भित करता है। एक भाग प्रति मिलियन का मतलब है कि मिश्रण की हर 10 लाख इकाई के पदार्थ की एक इकाई होती है, ओके। नेक्स्ट आते हैं कि आर एफ का मान बताना है आपको, आर एफ के वैल्यू का आपको मान बताना है, राइट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय आर वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये, देखिए आर मान एक इंसुलेशन नमूने के निर्दिष्ट परीक्षण स्थितियों के तहत ताप प्रवाह की दर को कम करने की एक क्षमता का एक माप है, ओके। नेक्स्ट आते हैं आपका वेरी शॉर्ट, आपका कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना ही था। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट आंसर्स पे देख लेते हैं, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, 200 वर्ड के लिख रहे हैं, तो 200 वर्ड मैक्सिमम आपके जैसे भी पेजेस होंगे कम से कम 1.5 पेज लिखिएगा, ठीक है। शॉर्ट में आप कम से कम 1.5 पेज लिखेंगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। क्या है ना कि आप वर्ड्स को इफेक्टिव लिखिए, हेडिंग वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, एंड जैसे फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला भी लिखिए, एंड एग्जाम्पल के तौर पर भी बताइए, कंक्लूजन भी लिखिए, तो इससे आपका आंसर बड़ा हो जाएगा, ओके। आंसर खींचने का एक तरीका होता है, उसे आप जरूर अपनाइए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूछा है कि नॉर्मलता, मोलता एवं मोललता की परिभाषा देनी है आपको, ठीक है, डिफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मोलारिता,
मौलता क्या होता है? नॉर्मलता के बीच बहुत करीबी संबंध होता है। नॉर्मलता को मौलता के गुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि मौलता किसी विलयन में यौगिक या आयन की सांद्रता को संबंधित करता है। नॉर्मलता केवल अम्ल घटक या विलयन के केवल क्षार घटक की मौल सांद्रता को संदर्भित करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। मौलता किसी पदार्थ की सांद्रता जिसकी गणना 1 लीटर विलयन घुले विलय के मौलों की संख्या के रूप में की जाती है, जबकि मौलता किसी पदार्थ की सांद्रता जिसकी गणना उस विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में पाए जाने वाले विलय के मौलों की संख्या के रूप में की जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड हमारा हो गया, थर्ड पे आते हैं। आपको कुछ डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, इस पर भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इसमें कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में पूछ, कभी कभी एमएस वर्ड पूछ लेता है, तो वो सब आप कंप्लीट कर लेना, एमएस ऑफिस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आपको कीबोर्ड और माउस के बारे में कंप्लीट करना है। ओके, देखिए कीबोर्ड क्या होता है, पार्ट टाइप करना, मतलब कोई भी चीज़ को टाइप करना क्या होता है, वो हमारा कीबोर्ड से ही है तो हम टाइप करते हैं ना, है ना। जो भी हम अपने वर्ड्स को टाइप करते हैं या हम किसी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वर्ड्स को ही टाइप करने को कीबोर्ड से ही माध्यम से करते हैं। तो अक्षरों, अंकों, विराम चिन्हों और प्रतीकों के अतिरिक्त टाइपिंग कुंजियाँ में शिफ्ट, केबल लॉक, कैप्स लॉक, टेब एंटर, स्पेस बार और बैक स्पेस भी शामिल है। किसी बड़े अक्षर को टाइप करने के लिए शिफ्ट को किसी अक्षर के साथ संयोजन में दबा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है स्कैनर क्या होता है। देखिए स्कैनर के बारे में भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है ना स्कैनर, बाकी माउस पे आपको करना है, स्कैनर के बारे में मैं बता देती हूँ, ठीक है। स्कैनर के बारे में देख लीजिए, आइए देखते हैं। स्कैनर एक दस्तावेज या छवि की सामग्री को कैप्चर करने के लिए एक प्रकाश स्रोत और एक फोटो सेंसिटिव सेंसर का उपयोग करके काम करते हैं। जब आप दस्तावेज को स्कैनिंग बोर्ड पर रखते हैं, स्कैन शुरू करते हैं, तो प्रकाश स्रोत दस्तावेज को रोशन करता है और सेंसर परावर्तित प्रकाश को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। स्कैनर क्या है, मतलब किसी चीज़ को स्कैन करता है ना वो चीज़। अगर हम मतलब किसी चीज़ को अगर रख दें तो वो प्रकाश स्रोत के दस्तावेज को इस रोशन करता है, मतलब इसे एक प्रकाशित प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करता है, जिससे वजह से वो स्कैन कर ले जाता है, ठीक है, कैप्चर कर लेता है, उसकी फोटो खींच लेता है। नेक्स्ट आधे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि सक्रिय द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान से आपकी क्या समझते हैं, द्रव्यानुपी आपका नियम क्या है इसके बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है किसी पदार्थ को मौल सांद्रता या किसी अभिक्रियाशील पदार्थ की सांद्रता को दर्शाता है, जिसमें आमतौर पर प्रति लीटर मोल व्यक्त किया जाता है। इसे प्रतिक्रियाशील द्रव्यमान या रासायनिक संकृता भी कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान की इकाई होती है मोल DM-3 या मोल L1 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे डिनोट करके लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं कि आयन पिन में क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज EIX देखते हैं, एक पृथक्करण विधि है जो विलय अणुओं के आवेशों के विभिन्न गुणों और मात्राओं पर आधारित होती है। इसमें स्थिर चरण और मोबाइल चरण के बीच चार्ज अवस्थाओं के अंतर इस्तेमाल किया जाता है। IEX का इस्तेमाल मुख्य रूप से आयनिक यौगिकों के विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह रासायनिक विश्लेषण एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि इसमें उन सामग्रियों को अलग अलग किया जाता है जिसमें दूसरे तरीके से अलग करना मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि क्रोमोक्रोफर एंड क्रोमोफोर एवं ऑक्सोमोक्रोम क्या है, देखते हैं एक्सप्लेन द क्रोमोफोर ऑक्सोमोक्रोम क्या होता है। तो आइए जल्दी से भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए क्रोमोफोर और ऑक्सोमोर रंग बनाने के लिए एक साथ काम करने वाले अलग अलग अणु हैं। क्रोमोफोर रंग के लिए जिम्मेदार प्राथमिक अणु होते हैं, जबकि ऑक्सोक्रोम अक्सर वस्तुओं के रंग बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि आणविक कंपनों को प्रकार बताना है आपको, का आणविक कंपनों के प्रकार बतानी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 आपको करना है, नहीं आएगा तो टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा कि पावर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और फिंगरप्रिंट रीजन ये सब पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी पढ़ के जाइएगा। ओके, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। अणुओं में होने वाले कंपन को मुख्य 2 प्रकार से बांटा जाता है, कौन कौन से, देखिए सममिति खिंचाव, जब 2 जुड़े हुए परमाणु एक ही समय में केंद्रीय परमाणु से दूर और बढ़ सकती है, और प्रतिसममिति खिंचाव, जब 2 जुड़े हुए परमाणु एक ही समय में केंद्रीय परमाणु से दूर और उसकी ओर नहीं बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, इतना आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, अब लॉन्ग पे आ जाते हैं। लॉन्ग आपको आंसर कंप्लीट करना है, जिसमें आपको 500 वर्ड कंप्लीट करने हैं। टोटल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, टोटल
14 मार्क्स आपको वन क्वेश्चन मिलेगा, टोटल 28 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं? टोटल 28 मार्क्स। तो इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे, है ना। देख लेते हैं, जिसमें हमारा दिया क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, विशेषात्मक रसायन क्या है इसका वर्गीकरण कीजिए और उसके अंतर विषयक प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, आपका टाइम ना वेस्ट हो। और हाँ, सो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए आए हो। जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके तुरंत करें और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें भी एक इंक्रेज होगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आप लोग के लिए लेके आए। तो जल्दी से पहले लाइक करिए, फिर आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग ने लाइक कर लिया होगा। तो आप छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके, तो विशेषात्मक रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान की एक शाखा है जो कि किसी पदार्थ की संरचना का अध्ययन करती है या पदार्थ के घटकों को अलग अलग करने, पहचानने, मापने, उनका अध्ययन करने से जुड़े विशेषात्मक रसायन विज्ञान में नमूनों को विशेष और मैट्रिक्स में बांटा जाता है। ओके, विशेष नमूने के वह घटक होते हैं जिसकी रुचि होती है या एक तत्व होता है, यौगिक के आयन हो सकता है। मैट्रिक्स अन्य सभी घटक होते हैं जिनकी विशेषण रुचि नहीं होती है। विशेषात्मक रसायन विज्ञान में दो तरह के विशेषात्मक, एक गुणात्मक और एक मात्रात्मक। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, आपको दो क्वेश्चन कराना था, पहला मैंने करा दिया, नेक्स्ट मैं आपको एक और कराऊंगी। एंड कंप्यूटर के पीडीओ के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर के प्रकार क्या क्या हैं, वर्ण लिखित से आप क्या समझते हैं इसके बारे में देख लीजिएगा, क्रोमेटोग्राफी। एंड क्वेश्चन नंबर 40 मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आपको पैरावैग्नी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वर्णोलेखित क्रोमेटोग्राफी एक रासायनिक तकनीक है जिसमें जरिए किसी मिश्रण के अलग अलग घटकों को अलग अलग किया जा सकता है। इसमें मिश्रण को एक अधिशोषक की सतह पर डाला जाता है और फिर उसे किसी विलायक से निकालकर अलग किया जाता है। इस विधि में मिश्रण के अलग अलग घटकों को अधिशोषण अलग अलग होता है, इसी वजह से अलग अलग घटकों को अलग किया जा सकता है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पूरा लॉन्ग आंसर से कंप्लीट करा दिया, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे आपको मिल जाएगा और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगी वो भी आपको वहीं से प्रोवाइड हो जाएगी। जैसा कि आपको देखा होगा कि 15 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करिएगा जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पर शेयर करके पूछ सकते हो। और हाँ, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको करनी है तो टेलीग्राम पर शेयर करिए अपना टाइम टेबल और अपने सिलेबस, अपना सब्जेक्ट नेम बताइए, सिलेबस बताइए, सारे चीजें आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएंगी। सो कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, उसे सॉल्व करिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।